यहाँ पे तो बातचीत ही बहुत 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 अच्छा था. इन सबको हमने लाइव देखा गाते हुए और आई फील है कि इंडियन आइडल जूनियर इंडिया में है, सीजन टू है. इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर इंडिया. हम इंडिया को दिखा रहे हैं कि टैलेंट का कोई एज बाउंड्री नहीं होता. कोई 6 साल का 7 साल का 8 साल का 10 साल का बच्चा कैसे गा सकता है, क्या टैलेंट है उनमें. मैं एक्चुअली बहुत पर्सनली मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मैं इस शो पे आई वरुण के साथ. टू सी दिस अपनी आँखों से ये देख कर बहुत अच्छा लगा. क्या हरकतें लेते हैं ये बच्चे, क्या गाते हैं. आई मीन जस्ट आउटस्टैंडिंग एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. ऑल द बेस्ट. हरकतें तो वरुण भी बहुत करता है. यू नो ऑनेस्टली मैं जब मेरी फिल्म जब रिलीज होने को आती है, मैं प्रमोशन में चला जाता हूँ, तो मैं थोड़ा स्ट्रेस हो जाता हूँ कि क्या करना चाहिए, व्हाट डज द ऑडियंस वांट. बट टुडे वाज डिफरेंट. आई हैड एन एब्सोल्यूट ब्लास्ट एंड दैट्स ऑल थैंक्स टू दीज 3 लवली जजेस. एंड ये जो बच्चे हैं इनको देख के मैं खुद बच्चा हो गया. मुझे लगा मैं कुछ भी उठपटांग कर रहा था, पर मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया इन लोगों के साथ. एंड आई थिंक म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है, हमारे फिल्म में एक डायलॉग है दैट अगर आप म्यूजिक फील कर सकते हैं then anybody can dance. And I truly believe that, क्योंकि आज जो मतलब हम लोग जहाँ बैठे थे, जब भी ये लोग गाते थे तो पूरा वातावरण चेंज हो जाता था. कभी लग रहा है कि बारिश हो रहा है, कभी लगता है कि हवा तेज हो गई, कभी लग रहा है कि हम लोग राजस्थान ट्रांसपोर्ट हो गए जब मोती गा रहा था. सो आई थिंक मोती आ जाओ, दैट्स मोती बाय द वे, इज मेड टू द फाइनल 12. आ जाओ पीछे आ जाओ. एंड जस्ट आई थिंक ये जो लोग, ये जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, एक्चुअली हम सबके बाप है. बहुत मजा है. बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं. मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मुझे गाने का शौक है. जब मैं अपने बाथरूम में गाती थी जब छोटी थी तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, और खुद ही खुद में डाउट था. और मन में जो है वो डाउट खुद भर जाता है, यू नो, ये हम में ही है. तो धीरे धीरे अभी रियलाइज किया कि मुझे भी गाना अच्छा लगता है. तो इन लोगों ने अभी रियलाइज किया और ये इतने कॉन्फिडेंटली आके गाते हैं. आई थिंक इट्स अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग. हम लोग बोल रहे हैं ना, आपको बिगिनिंग से बोले जा रहे हैं कि एट दिस एज हम में से किसी को नहीं पता था कि मतलब म्यूजिक किस तरह से सीखी जाती है या ऐसा सब कुछ. और ये इतने एक्सपीरियंस कलाकारों की तरह परफॉर्म करते हैं, इट्स अनबिलीवेबल. 9-10 साल की उम्र, 11 साल, 12 साल, ये कोई उम्र होती है, इतना अच्छा गाना इस ऐसे ऐसे मुश्किल गानों को निभाना, इट्स नॉट रियली इजी. और ये बच्चे इतना अच्छा गा रहे कि आप बिलीव नहीं कर सकोगे. जब आप शो देखोगे इंडियन आइडल जूनियर, तभी आपको पता लगेगा कि ये क्या लेवल का म्यूजिक, क्या लेवल की गायकी गा रहे. और ऑनेस्टली हम लोग यहाँ शो को प्रमोट करने के लिए या ऐसा कुछ ऐसे नहीं बोल रहे. हम लोग सब जो कह रहे हैं दिल से कह रहे हैं, बिकॉज हम लोग ने एक्सपीरियंस किया है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक गोइंग फॉर अ लाइव कॉन्सर्ट एंड कुछ ऐसा देखना, कुछ ऐसा फील करना. सो आई थिंक दिस किड्स आर इंडियन आइडल्स ऑलरेडी. मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम जजिंग अ रियलिटी शो, दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. और मैंने इन बच्चों से इतना सारा सीखा है इन कई दिनों में. एंड थैंक यू, मैं आपको सबके सामने थैंक यू कह रही हूँ, क्योंकि आप इतना सुंदर गाते हैं और आपने मेरे लाइफ में बहुत बड़ा काम किया है मुझे आपका संगीत देकर. सो जस्ट फैंटास्टिक. शो के जरिए से जानना चाहेंगे कि पिछली को का प्रोमो आप लोगों को कैसा लगा? कमाल था. हमने तो प्रोमो तो ऑफ कोर्स ट्रेलर देखे थे हम वीडियो पे. हमने तो लाइव ट्रेलर देखा. आज तो हमने लाइव ट्रेलर देख लिया. डांसिंग, सिंगिंग और डायलॉग बाजी, विशाल का गाना, वरुण का गाना, श्रद्धा का गाना, इट वाज जस्ट फैंटास्टिक. अमेजिंग. बहुत मजा आया. वी हैड अ ब्लास्ट. या मुझे बहुत बहुत मजा किया हमने शो पे. की जब सीक्वल लगती है तो हमेशा ऐसा लगता है कि अच्छा अब क्या होगा. सीरीज एज अ फिल्म वाज फैंटास्टिक. बट बहुत सारी उम्मीदें हैं और बहुत सारी ऐसा लग रहा है कि यू नो दिस मूवी इज रियली रियली गोइंग टू बी अ बिग वन. तो शेखर और मैं हमेशा कहते हैं कि जब कोई फिल्म प्रमोशन पे आती है, यू नो टीवी शो के प्रमोशन पे आती है, उसी माहौल के वाइब से पता पड़ जाता है कि फिल्म कितना चलेगी. तो आज के माहौल से मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आई प्रॉमिस यू, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, एबीसीडी 2 इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर. थैंक यू. थैंक यू. फिंगर्स क्रॉस्ड. सहमत हूँ विशाल से, जब
फिल्म के जो एक्टर्स हैं जो मेन किरदार निभा रहे हैं वो लोग जब कहते हैं कि एक्चुअली हम फिल्म के हीरोज नहीं है, जो डांसर्स हैं और जो रेमो सर है जो डायरेक्टर है, सचिन जिगर जो म्यूजिक डायरेक्टर है, वो एक्चुअली मेन हीरोज है, जब ऐसी बात कहते हैं तो पता लग जाता है कि फिल्म बाय इटसेल्फ इज रियली रियली बिग एंड दैट्स द